हे गाइस वेलकम बैक और एक नए वीडियो में। दोस्तों रियलमी का नंबर सीरीज में 12 सीरीज बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा और इसमें दोस्तों आपको दो डिवाइस देखने को मिलेगा। एक होगा रियलमी 12 प्रो प्लस और दूसरा होगा रियलमी 12 प्रो। इन दोनों डिवाइस बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले इसका फुल स्पेसिफिकेशन और बहुत सारे फीचर्स लीक आ चुका है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा रियलमी 12 प्रो प्लस डिवाइस में आपको कौन सा स्पेसिफिकेशन के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा, इसका प्राइस क्या होने वाला है और कब तक इंडियन मार्केट में आएगा, सब कुछ बताऊंगा। अगर आप रियलमी 12 प्रो प्लस डिवाइस के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो गाइस चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो के तरफ। दोस्तों सबसे पहले लुक और डिजाइन। Realme 12 Pro Plus डिवाइस का जो लुक और डिजाइन आपको एक डिफरेंस लुक देखने को मिलेगा। उसका जो बैक पैनल है, मतलब जो बैक साइड है, उसका फुल डिटेल्स पिक्चर आ चुका है, आप फिलहाल स्क्रीन पे देख सकते हो। तो पीछे का लुक आपको कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं डिस्प्ले की तरफ। यहाँ पे आपको बहुत ही एक मस्त डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो होगा 6.67 इंची का एक AMOLED डिस्प्ले। और दोस्तों ये जो डिस्प्ले है कर्व डिस्प्ले होने वाला है, जो Realme 11 Pro Plus के साथ आया था, आपको सेम टू सेम डिस्प्ले यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो उसके साथ साथ ये जो डिस्प्ले है यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेस का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको 1800 पिक ब्राइटनेस का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। HDR10 का सपोर्ट भी दिया जा रहा है, लेकिन डिस्प्ले में कौन सा प्रोटेक्शन यूज किया जा रहा है उसके बारे में अभी कुछ भी लीक नहीं आया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं परफॉर्मेंस और प्रोसेसर की तरफ। यहाँ पे आपको एक बेहतरीन चिपसेट देखने को मिलेगा, जो लेटेस्ट चिपसेट है स्नैपड्रैगन की तरफ से, स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 लेटेस्ट चिपसेट है जो Realme 12 Pro Plus डिवाइस के साथ यूज किया जाएगा। और ये जो चिपसेट है 4mm टेक्नोलॉजी पर बेस होने वाला है, लेटेस्ट चिपसेट है, तो इस डिवाइस के साथ गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होने वाला है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कैमरे की तरफ। यहाँ पे आपको कैमरा में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा Realme 11 Pro Plus से Realme 12 Pro Plus में। पीछे में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। जो मेन सेंसर है वो आपको 50 MP का होने वाला है और ये जो सेंसर सोनी का लेटेस्ट किसी भी सेंसर यूज किया जाएगा। उसके साथ साथ आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, लेकिन और दो जो सेंसर देखने को मिलेगा वो आपको बेहतरीन सेंसर यूज किया जा रहा है। एक होगा 8 MP का अल्ट्रा बैलेंस और जो तीसरा कैमरा है वो बहुत ही बेहतरीन कैमरा है, 64 MP का आपको टेलीफोटो लेंस का सपोर्ट दिया जा रहा है Realme 12 Pro Plus डिवाइस में। मतलब कैमरा का जो सेटअप है कुछ अलग लेवल का लेके जाएगा, आपका जो फोटो क्वालिटी है बहुत ही मस्त होने वाला है। 64 MP का टेलीफोटो लेंस का सपोर्ट, आप सोच सकते हो फोटो का क्लियरिटी कितना अच्छा होने वाला है Realme 12 Pro Plus डिवाइस के साथ। दोस्तों फ्रंट में 32 MP का एक मिडिल पंचोल सेल्फी भी दिया जाएगा Realme 12 Pro Plus डिवाइस के साथ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं बैटरी की तरफ। Realme 12 Pro Plus डिवाइस में एक मैसिव बड़ा बैटरी यूज किया जा रहा है जो होगा 5000 mAh का। दोस्तों उसके साथ साथ 100W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। दोस्तों अभी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी जान लेते हैं जो Realme 12 Pro Plus के साथ आएगा, जो लीक आया है। इस डिवाइस में आपको डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, NFC का सपोर्ट देखने को मिलेगा, 3.5mm का जो ऑडियो जैक है उसका सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। और इसका जो बेस वेरिएंट होने वाला है 8128 और इसका जो प्राइस जो लीक आया है उसका मुताबिक इसका प्राइस 25-30K के अंदर ही होने वाला है। और दोस्तों ये जो डिवाइस है 2024 में इंडियन मार्केट में आएगा। तो दोस्तों ये रहा Realme 12 Pro Plus डिवाइस का फुल स्पेसिफिकेशन, इंडियन लॉन्चिंग डेट और कौन सा प्राइस डेट में इंडियन मार्केट में आ सकता है। तो यार आज के वीडियो इतना ही था, मिलते हो अपने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक टाटा, गुड बाय।